डियर स्टूडेंट्स, 10 टॉपिक्स का एक नया सेट आज हम लोग फिर से देखेंगे और कुछ नए टॉपिक्स फिर से लेंगे। पिछले दिनों जो लास्ट टॉपिक आया उसमें इंडिया एयरबुक से हम एक्सप्लेन करना भूल गए थे। हालांकि हमने कम्युनिटी टैब में इंफॉर्मेशन दे दिया था कि वाणिज्य यानी कॉमर्स सेक्शन हम लोग इसमें करेंगे। YouTube में हर यूट्यूबर को एक कम्युनिटी टैब दिया जाता है जिसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं। जब हमें याद आया कि इसके बारे में हमने नहीं आपको बताया है तो हमने कम्युनिटी टैब में ये डिटेल्स आपको दे दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ज़रूर सुना देखा होगा और इस पर फॉलो भी किया होगा, चूँकि क्वेश्चंस इस पर सेट तो आज नहीं आया, आपके 10 टॉपिक्स पर जो सेट आता है वो कल आएगा, तो क्वेश्चंस उससे रहेंगे। वाणिज्य का टॉपिक था, लगभग 10 पेजेस हैं जिसमें कॉमर्स, भारत का व्यापार किस तरह से, किन किन देशों के साथ कितना प्रतिशत है, ये सब डिटेल्स था। इंडिया एयरबुक का महत्व सिर्फ इसलिए है कि इसमें डेटा है और इसमें विभागों के और भारत के जो रिसोर्सेज हैं उसके डिटेल्स हैं, तो इसे आप बुक के रूप में नहीं, इसे आंकड़ों के रूप में आप पढ़ें और समझें, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आंकड़े आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में अलग अलग रूपों में आ जाते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट किस साल शुरू हुआ, तो अब ये आज के टॉपिक में हम लोग लेंगे। तो डिटेल्स यहाँ पर आपको बहुत ग्रेजुअली, एयरबुक की विशेषता ये है कि आप एयरबुक अगर पढ़ पा रहे हैं, हम कहेंगे कि जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया है, उनको वरी नहीं करना चाहिए, चूँकि जब नहीं लिया है तो फिर अब उसके लिए रोना बेकार है। लेकिन जिन्होंने लिया है और जो समर्थ हैं, हम कहेंगे कि इसकी विशेषता यह है कि अगर आप जब इससे ख़त्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा काम किया। चूँकि भारत के जितने विभाग हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर आंकड़ों के साथ अपडेटेड वर्जन में एंड मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म में आपको मिलता है, तो ये अनपैरेलल्ड है, प्राइसलेस है। हालांकि अब इसी का देखा था कि जिस तरह के एनसीईआरटी पर बेस्ड बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में दिखते हैं और सब में लिखा रहता है एनसीईआरटी सार, भले लिखा रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी है जो मूल एनसीईआरटी है। उसी तरह से ईयरबुक के नाम पर अब बहुत सारे पब्लिकेशंस जो हैं वो ईयरबुक निकालते हैं, लेकिन जो मूल ईयरबुक है, जो पब्लिकेशन डिवीजन सरकार की छापती है, उसकी बात अलग है। 350 इसके प्राइसेस हैं, डिस्काउंट पे भी मार्केट में कुछ मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, ये कम बात है कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण बुक पे टॉपिक वाइज कम से कम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो ये तो समझ में आता है कि इसमें क्या है और क्या पढ़ना है। आज भी हम लोग इसका एक टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और देखेंगे आप कि इसमें बहुत अच्छे तथ्य निकल कर आएंगे। जो पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो इसका वैल्यू भी समझ रहे होंगे। चलिए आज के जो टॉपिक्स हम लोग लेंगे, 10 अगेन नए टॉपिक्स, उसमें से पहला टॉपिक, आज फ्रीडम स्ट्रगल समाप्त हो रहा है। हिस्ट्री में आज हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल एंड करेंगे, एक बड़ा सेक्शन कवर होगा। मॉडर्न इंडिया में हम लोग इतना कर पा रहे हैं, ये एक अच्छी उपलब्धि है, बशर्ते कि आप इसे कर रहे हो। जो मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सेक्शन मिस कर रहे हैं। आज फ्रीडम स्ट्रगल 1942 से लेकर 1947 तक बहुत सारा है, CR फॉर्मूला है, शिमला समझौता है, बहुत सारे कैबिनेट मिशन प्लान हैं, उसके बाद माउंटबेटन प्लान और दिस दैट, बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बीच में आज़ाद हिंद सरकार भी आएगा, तो ये सब आप करें, यहाँ पर आप फ्रीडम स्ट्रगल समाप्त करेंगे। दूसरा टॉपिक आज ज्योग्राफी में, हम लोग स्थल मंडल के स्थलाकृतियों को हम लोगों ने पढ़ा। स्थलाकृतियों के बाद, लैंडफॉर्म के बाद, अब एक बड़ा सेक्शन हम लोग ले रहे हैं और ये है जल मंडल। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, इसमें आप जो पानी है, जो जल है, जो समुद्र है, वो समुद्र सभी जगह एक टाइप का गहराई में नहीं है। धरती से धीरे 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 उसकी गहराई बढ़ती चली जाती है और बीच समुद्र में सर्वाधिक होती है, यानी गहरे सागरीय गर्त, डीप सी प्लेन्स। तो बहुत सारा ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ के हिसाब से महाद्वीपीय मग्न तक, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, डीप सी प्लेन्स, उसके बाद ओशन डेप्थ, ये सब डिटेल पढ़ें। स्लोप पढ़ें, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद शेल्फ, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो गहराई के हिसाब से समुद्र के अलग अलग भाग, कहाँ पर खनिज मिलता है, कहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं, कहाँ पर क्या डेप्थ है, क्या नाम है उसका, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा है कि जितने भी महासागर हैं उनके अलग अलग, उनकी गहराई और उनके अलग अलग उनके नाम, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सारे महासागर का डेप्थ।
और सिर्फ सबके अलग अलग नाम। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी से आपको मिलेगा। पेजेस दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट पेज पे जाएं और पढ़ें, हार्डली टू पेजेस, दो पेजेस के हैं, छोटे पेजेस। उसके बाद पॉलिटी में हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था राष्ट्रपति यानी संघ की कार्यपालिका। अब हम लोग लेंगे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, क्वाइट नेचुरल, एकदम नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हम लोग समझेंगे। उपराष्ट्रपति का डिटेल्स लें कि उपराष्ट्रपति का पद, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनके विशेषाधिकार, राज्यसभा के रूप में उनकी भूमिका। उसके बाद वैसे राष्ट्रपति जो पहले बने, जो कार्यकाल में ही जिनकी मृत्यु हुई, और भी डिटेल्स बहुत कुछ आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित इस पॉलिटी के सेक्शन में लेंगे। पॉलिटी के बाद हम लोग दो साइंस के सेक्शंस करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछली बार एसिड बेस सॉल्ट किया था। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन दिखा देता है, और ये टॉपिक है सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन यानी घोल, ऐसा घोल जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स का सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाता है। मुख्य विलयन इस पूरे सॉल्यूशन में मेन घोल क्या है, उसमें जो घुलने वाले पदार्थ हैं वो क्या है, इसमें आप निलंबन किसे कहेंगे, इसमें पायस क्या है, जेल क्या है, फोम क्या है, डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप अगर क्रॉन देख रहे हैं तो दी बेस्ट, लूसेंट देख रहे हैं वहाँ पर भी अच्छा कलेक्शन है। तो फोम जैसे दूध, जैसे हवा, जैसे शेविंग क्रीम, तो ये डिटेल्स आप पढ़ें कि इन्हें हम क्या क्या कहते हैं, इनमें घोल और घोलक पदार्थ किस रूप में जाने जाते हैं, किसे हम फोम कहेंगे, किसे एरोसोल कहेंगे, किसे जेल कहेंगे। तो ये सब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चंस जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक था। उसके बाद बायोलॉजी में हम लोगों ने एनिमल किंगडम किया था। अगर उसके बाद आप देखें तो इसके बाद आपको दिखाई देगा सेल यानी कोशिका पढ़ना है। अभी तक तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे जीवों का और पेड़ पौधों का। अब आ जाए आप सभी जीव का जो फंडामेंटल बेस है वो है सेल यानी कोशिका। किसी भी जीव का सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे सूक्ष्म तत्व, वो उसका सेल है। जैसे घरों का बेस ईंटे से बनता है, उसी तरह से हमारे जीवन का आधार है कोशिका। तो यहाँ पर आप कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर क्या है, लिक्विड किस रूप में है, वहाँ पर केंद्रक का क्या कार्य है, कोशिका किस रूप से, किस किन किन चीज़ों से घिरा हुआ होता है, इसके अंदर के छोटे छोटे पदार्थ जो हैं उनके बारे में डिटेल्स लें, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर के हर उस छोटे पक्ष को समझें जो एग्ज़ाम में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं बिहार के दो टॉपिक्स। आज बिहार का हम लोग लेंगे बिहार में नागरिक सरकारों का गठन, यानी 1937 भारत भर में जो व्यापक स्तर पर चुनाव हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में हुए। पूरे भारत भर में मुख्य स्थानों पर कांग्रेस और कहीं पर गठबंधन की सरकार बनी, कहीं पर व्यक्तिगत बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बनाया। तो 1937 का चुनाव बिहार में भी हुआ। उसके बाद 1945, उसके बाद 1947, तो डिटेल्स आप करेंगे कि किस तरह से बिहार में नागरिक सरकार का गठन हुआ, यानी सरकारें बनी, कब कब चुनाव हुआ, कौन जीता, किसे कितनी सीटें मिली, कौन पार्टी सबसे आगे रही, ये सब डिटेल्स यहाँ पर बिहार के कंटेक्स्ट में। उसके बाद बिहार का एक ज़िला हम लोग करते हैं। आज हम लोग कौन सा ज़िला करेंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आप दिशा बदल लें। अभी तक आप दक्षिण में थे, अब आ जाएं आप पश्चिम में। तो आप दक्षिण से आप पश्चिम बढ़ें, पहला आपको ज़िला दिखाई देगा, ये ज़िला है बक्सर। बक्सर में बहुत इम्पॉर्टेंट, बक्सर का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सारी संरचनाएं, उसका नेशनल हाईवेज, उसमें नदियां बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रिक्ट बिहार का बक्सर आप करें, हिस्टोरिकली भी बहुत वर्टाइल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आठवां टॉपिक हम लोग करते हैं इंडिया ईयरबुक, यानी भारत 2019। ईयरबुक से 10 पेजेस ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम लोग ले रहे हैं। आपने पिछली बार वाणिज्य किया, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, यानी कॉमर्स। आज हम लोग करेंगे जो टॉपिक वो है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी टेलीकॉम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कब पहला पोस्ट, हमारे यहाँ पोस्टल सिस्टम कैसे चला, उसके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ, और भी बहुत सारे संचार के जो साधन विकसित होते चले गए, उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर आपको निकल कर आएंगे।
नेक्स्ट उसके बाद नवा टॉपिक हम लोगों का प्रतियोगिता दर्पण होता है। मई 2019 का पीडी हम लोग कर रहे हैं। चौथा इसका टॉपिक होगा नवीनतम सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, उसके बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान चौथा इसका टॉपिक होता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेड चुने गए हैं, जैसे भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी नए नियुक्त हुए हैं। उसके बाद कुछ अवार्ड्स, प्रिट्जर अवार्ड, उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसके व्यास सम्मान, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसे भी आप एक बार रिवाइज करें। आप अगर देखेंगे कि ये अवार्ड्स जितने भी हैं हर एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सब तो आना ही आना है। तो यहाँ पर आपको व्यास सम्मान दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, मेंस का एक क्वेश्चन, दसवां टॉपिक। आज आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। हम तो अभी आपको टॉपिक दे पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा गाइडेंस हम नहीं अभी आपको दे पा रहे हैं, लेकिन इस पर आगे बहुत कुछ दिखेगा। अभी आप अपनी बहादुरी दिखाएं, अपनी हिम्मत दिखाएं, अपने स्तर पर जितना संभव हो करें, आपके साथ हम रहेंगे, आगे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के संदर्भ में। तो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट करना है, इसे आपको एनालिसिस करना है किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में चला, कौन कौन से पक्ष थे, क्या भारत में, आप जान लें कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत के कुछ बड़े क्षेत्रों में बहुत ही तीव्र था, उसमें बिहार भी एक ऐसा राज्य था। तो इसे आप आज़ाद दस्ता का गठन भी हुआ था यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, इन लोगों ने बहुत मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और गुप्त संगठन के रूप में इस आंदोलन में बड़ी तोड़फोड़ की थी। तो आप इसे करें भारत छोड़ो आंदोलन, जो ऐसे ही नेशनल पर्सपेक्टिव में भी पिछली बार भी मेंस में 63वीं में आ चुका है। जीएस में ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ मिलाकर यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम आपको 64वीं के बाद 65वीं में ये रेलेवेंस बन जाता है। तो आप करें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, समझें कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कैसे फैला, कैसे आगे बढ़ा। तो और उसके बाद पहले तो भारत, पूरे भारत के संदर्भ में आप बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे। तो ये सब करके उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, बिहार का कंटेक्स्ट देंगे। दो पैरा आप भारत छोड़ो आंदोलन को डील करें, तीसरे पैरा से बिहार का संदर्भ लें कि बिहार में भी यह आंदोलन समग्र रूप में आगे बढ़ा, बिहार के अलग अलग जिलों में यह बहुत ही तीव्र और बहुत ही उग्र आंदोलन था। बिहार के कई नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और गिरफ्तारियां भी दी। कई जगह तो हवाई जहाज से बम गिराए गए, मुंगेर में हवाई जहाज से बम तक गिराए गए थे 1942 के आंदोलन में। उसके बाद नेपाल के जंगल में छिपकर जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने, जो हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल निकल गए थे 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद, नेपाल पहुंचे और वहां पर गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाया और वहां से आंदोलन को संचालित किया। यहां तक कि इनके रेडियो भी प्रसारित होते थे मुंबई से, उषा मेहता जिसकी उद्घोषिका थी। तो ये सब डिटेल्स हैं, हालांकि सब फिर बाद में गिरफ्तार होते चले गए या बहुत से लोग छिपके ही रह गए, यह आंदोलन बाद में समाप्त भी हो गया। लेकिन इसने भारत सरकार को बड़ी सीख दी कि अब भारत के लोग आपकी औपनिवेशिक गुलामी को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से टॉपिक्स को करें आप, बहुत सारे टॉपिक्स मिल चुके हैं, हर तीसरे दिन टॉपिक आ रहा है। कल इस पर आपका टेस्ट भी आएगा, पिछले टॉपिक पे आपका टेस्ट भी आएगा, आप बनाएंगे, उम्मीद है कि आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। टेक केयर।